देवास जिले के चिचली और नेमावर के मसानिया खदान क्षेत्र में रेत माफियाओं द्वारा अवैध खनन लगातार जारी है। रेत माफियाओं को न तो प्रशासन का डर है और न ही पुलिस का। हालांकि प्रशासन अपने रटे रटाए जवाब पर अब भी काबिज है कि रेत माफियाओं पर अंकुश लगा दिया गया है, लेकिन परम एजेंसी द्वारा देवास जिले में किया जा रहा अवैध खनन रेत माफियाओं के काले चिट्ठे खोलने के लिए काफी है। हालांकि अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई। रेत माफिया दिन रात नर्मदा की छाती को छलनी कर रहे हैं और बड़े बड़े अधिकारी, सफेद पोश नेता अपनी बड़ी बड़ी बातों से जनता को गुमराह कर रहे हैं। सवाल यह है कि जब प्रशासन की नाक के नीचे परम एजेंसी द्वारा दिन रात इतने बड़े स्तर पर खुलेआम अवैध रेत खनन किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी या जिम्मेदार को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। देवास के चिचली में पोकलेन मशीनें नर्मदा को छलनी करने में जुटी हुई है। सवाल करने पर सियासत करने वाले लोग सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। इस अवैध खनन को लेकर कांग्रेस अब हमलावर हो गई है और शिवराज सरकार पर खुलकर प्रहार कर रही है। देखिए, सीधी बात है, लूट खसोट के पैसे से बनी खरीद फरोख्त की ये जो सरकार है, जिसने माफियाओं को राज कायम करने की दोबारा सौगंध खाई है, उसने खुली छूट इन खनन माफियाओं को देकर के रखी है। आपने देखा होगा, युवराज उस्ताद और जीतू सोनी जैसे लोगों की रासुका निरस्त इस सरकार ने करवाई है और खनन माफियाओं को खुली छूट है कि आपने सरकार गिराने के लिए पैसा दिया, अब आप जनता को जम के लूटिए। कांग्रेस सरकार इस बात का सख्त विरोध करती है। आपने देखा होगा, शिवा कॉरपोरेशन जैसे बड़े नाम को हमने खनन के काम से बाहर किया था। मध्य प्रदेश सरकार की कोशिश है कि जिन लोगों ने 15 साल देश को लूटा, वापस उन लोगों का राज आए। कांग्रेस इसके खिलाफ आंदोलन करेगी, सड़कों पर उतरेगी। कांग्रेस एक और जहां अवैध खनन को लेकर लगातार भाजपा को घेर रही है, वहीं भाजपा नेता कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। देखिए, अब यह मामला देखने की आवश्यकता है कि कहां का है कहां का नहीं है, लेकिन सरकार लगातार इस बात को लेकर प्रयासरत है और हमने कोशिश करी कि सारी चीजों की जीआईएस मैपिंग हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने ये सब नवाचार शुरू किए थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार बीच में आई, उन्होंने जिस तरीके से अपने लोगों को बंदरवाट करने के लिए सारे प्रपंच किए, निश्चित रूप से आगे उस पूरे मामले को हम लोग कोलैप्स करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। हमें लगता है लॉकडाउन अभी कुल मिला के देखने की आवश्यकता है कि मजदूरों का काम चलता रहे, आने वाले समय में इस पूरे मामले में परिवर्तन जरूर किया जाएगा। अब कांग्रेस अवैध रेत खनन को भुनाने के चक्कर में है। सत्ता की सियासत में शिवराज सरकार को घेरते हुए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि रेत माफियाओं को शिवराज सरकार का संरक्षण प्राप्त है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में पिछले 15 वर्ष में जब शासन रहा, तो लगातार मध्य प्रदेश के चारों तरफ से शिकायतें आती थी कि इनके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के संरक्षण में अवैध खनन पूरे प्रदेश में चल रहा था। दुर्भाग्य की बात है कि एक आईपीएस ऑफिसर तक को एक अपनी जान गंवानी पड़ी थी, अगर आप पिछले दिनों को याद करें भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। तो ये कोई नई बात नहीं है, जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है भारतीय जनता पार्टी आती है मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए सभी राजनेता कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं जो अवैध खनन कार्य करते रहते हैं। ये जो घटना घटी है आप बता रहे हैं, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक एसडीओपी पे हमला हो जाए, अधिकारियों पे हमले हो जाए, और इसी बात पे इनके हौसले बढ़ते हैं क्योंकि बड़े नेताओं का संरक्षण है उनको। वहीं बीजेपी नेता राजपाल सिंह का कहना है कि अवैध खनन के लिए कमलनाथ सरकार ने नियमों को ढीला कर दिया था, जिससे अवैध खनन बढ़ा है। वहीं शिवराज सरकार इस पर रोक लगाने का काम कर रही है। आप देखेंगे कि पिछली सरकार में जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, तो नर्मदा परिक्रमा यात्रा निकालकर और मां नर्मदा में अवैध उत्खनन न हो रेती का, इस बात को लेकर हमने कई सारे कड़े कानून बनाने का काम किया था और नियमों को बनाने का काम किया था। पर परंतु पिछली 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने उन तमाम कड़े कानूनों को सरल कर दिया और उसमें भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम किया और रेती का अवैध उत्खनन प्रारंभ किया। परंतु जैसे ही हम सरकार में आए, हमने फिर से उसके अंदर अमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया है। अभी हमने एक नई नीति बनाई, उसके तहत जहां पर काली रेती का उत्खनन होता है परंतु वहां पर भी बालू रेती जब बिकती है, तो वो बालू रेती भी रॉयल्टी से वहां बिके, वहां के ठेके भी देने का काम हुआ है और अवैध उत्खनन और मशीनों का प्रयोग जो नदी के अंदर होता था, उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का काम शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया है।
अवैध खनन से बीजेपी भले ही बचने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कांग्रेस नेता राजकुमार सिंह ने आरोप लगाते हुए साफ कह दिया कि भाजपा अपनी संरक्षण में अवैध खनन करवा रही है। अवैध खनन भाजपा के संरक्षण में हमेशा से अवैध उत्खनन होता आया है। आप बात कर लीजिए सीएम के गृह जिले से जो जुड़ा हुआ है होशंगाबाद और बुधनी की, होशंगाबाद में लगातार अवैध उत्खनन हो रहा है और वहाँ के लोकल के जो एमएलए हैं वो स्वयं उनके भाई और अभी जो हाल ही में मंत्री बने हैं उनके छोटे भाई सभी लोग वहाँ पर अवैध उत्खनन करते हैं। अरविंद भदौरिया जी के छोटे भाई भी वहाँ अवैध उत्खनन करते हैं। तो सभी लोग वहाँ पर कीरपुरा पॉइंट है, रजौन पॉइंट है, नर्मदा किनारे जितने पॉइंट हैं आप देखिए आप सब सभी पर लगातार अवैध उत्खनन हो रहा है। नेमावर में भी देवास और नेमावर ज़िले में वहाँ भी लोकल के जो उनके MLAs हैं उनके नाम उसमें आए हैं। अभी आपने देखा हो SDOP के साथ जो मारपीट की घटना हुई है उसमें जिन लोगों के नाम दर्ज हुए हैं वो सारे भाजपा विधायक के संरक्षित लोग हैं। तो ये सब भाजपा अपने संरक्षण में करा रही है। बहरहाल अवैध खनन को लेकर दोनों ही राजनैतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच देवास जिले में परम एजेंसी बदस्तूर अवैध रेत खनन कर रही है। प्रशासन खामोश बैठा रहे और नेता आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, ऐसे में नर्मदा की छाती पर चलने वाली परम एजेंसी की पोकलेन मशीनों की आवाज इस बयानबाजी में कहीं दब ना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजियाना न्यूज। सौर जिले के नाहरगढ़ थाना पुलिस ने अवैध रेत खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 12 ट्रैक्टर और ट्रॉली को जब्त किया गया। थाना प्रभारी राकेश चौधरी के नेतृत्व में अवैध रेत खनन माफियाओं पर ये कार्रवाई की गई है। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना पुलिस को शिकायत मिली थी कि थाना क्षेत्र के बिल्लौद स्थित शिवना नदी में अवैध रेत खनन का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। कुछ दिनों पूर्व भी पुलिस व खनिज विभाग की टीम ने यहां पर कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की थी, बावजूद उसके खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। दोबारा खनन की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने घेराबंदी कर अवैध रेत का परिवहन कर रहे 10 से 12 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। इस दौरान कुछ वाहन मौके से भाग निकले। सूचना मिली थी कि सिवना नदी में डैम के आगे बिल्लौद के पास में अवैध रेत खनन हो रहा है और खनन की चोरी की जा रही है। सूचना पर से थाने की टीम ने दबिश दी थी तो वहाँ पर काफ़ी ट्रैक्टर थे जो रेत की चोरी कर रहे थे, खनन ले जा रहे थे, तो जिनको घेराबंदी कर पकड़ा। कुछ भागने में सफल हुए, करीब 10-12 ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध खनन रेत के पकड़ी है पुलिस। पुलिस ने पकड़ाए ट्रैक्टर को थाने ले जाकर जब्ती की कार्रवाई की। अब सवाल ये उठता है कि मंदसौर और होशंगाबाद में अवैध खनन पर पुलिस और प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, लेकिन देवास जिले के चिचली और मसानिया खदान पर परम एजेंसी द्वारा किए जाने वाले अवैध खनन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजियाना न्यूज, मंदसौर। जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में रेत का अवैध उत्खनन चल रहा है उससे प्रदेश की राजनीति भी गरमाई हुई है। इसी मुद्दे को लेकर नरसिंहपुर के यूथ कांग्रेस ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। देवास जिले में चिचली और मसानिया खदान पर परम एजेंसी द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। इन रेत माफियाओं को देखते हुए नरसिंहपुर होशंगाबाद जिलों में भी रेत का अवैध उत्खनन जोरों से चल रहा है। इसके विरोध में आंदोलन भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आक्रोशित होकर नरसिंहपुर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में एकजुट होकर ज्ञापन सौंपा। देखिए, जब से ये कांग्रेस की सरकार गई है उसके तीसरे चौथे दिन बाद ही
अवैध उत्खनन मध्य प्रदेश भर में चालू हो गया था। हम सिर्फ अपने जिले की बात नहीं करते। चार महीने पहले रॉयल्टी कटती थी तो समय ऐसा था कि यदि 5 मिनट देर होती थी रॉयल्टी में, 5 मिनट बाद का टाइम रहता था उसमें भी पेनल्टी होती थी। इतना कड़क प्रशासन था क्योंकि सरकार थी कांग्रेस की। जब से भाजपा की सरकार आई है हम केवल एक प्रकार से कहना चाहिए आतंकवाद देख रहे हैं, इसको हम आतंकवाद कहेंगे। जो लोग सही हैं वो फिस रहे हैं। यदि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता शिकायत करते हैं तो उल्टा प्रकरण कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बना दिया जाता है। एक कल ही की बात करूंगा मैं, महेंद्र सिंह ठेमी, वो रोज थाने में शिकायत कर रहा था कि थाने के सामने से डंपर गुजर रहे हैं रेत भर के, पर उल्टा प्रकरण उस पर बना दिया गया चोरी का, एक भाजपा के कार्यकर्ता ने शिकायत की। क्योंकि वहाँ के जो पुलिस हैं, जो आरक्षक थे, उनको जाइन अटैच भी किया गया है। उन आरक्षकों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप निष्पक्षता से नौकरी नहीं कर पा रहे हैं तो इससे अच्छा है कि आप नौकरी ही छोड़ दें। कितने पैसे दे दिए आपने उन भाजपा के दलालों से, जो आप चोरी के कारण एक झूठा इल्ज़ाम लगाकर चोरी के कारण एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को पीटते हैं कि वो जहर खाता है, जहर उसे खाना पड़ता है, या जो भी किया उसके साथ गलत किया और वो जबलपुर रेफर हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि यदि 5 दिनों के अंदर अवैध उत्खनन बंद नहीं होता है तो हम सब लोग एक उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिजियाना न्यूज, नरसिंहपुर। आलोट में नायब तहसीलदार ने रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की थी। कार्रवाई के दौरान रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए थे, जिसके बाद रेत माफिया थाना परिसर से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फरार हो गए। आलोट में ताल के नायब तहसीलदार रमेश मसारे द्वारा गांव फैसाना से अवैध रेत माफिया उमराव से हतांगी की एक ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध रेत परिवहन करते हुए पकड़ा गया था। नायब तहसीलदार द्वारा वह ट्रैक्टर ट्रॉली ताल थाना परिसर में पुलिस के सुपुर्द कर दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली मालिक ट्रैक्टर ट्रॉली थाना परिसर से लेकर फरार हो गया है। इससे ज्ञात होता है कि खनन माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं। वहीं तहसील कार्यालय एवं पुलिस प्रशासन इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया कुछ ऐसे व्यक्त कर रहे हैं। ताल द्वारा पकड़कर सुपरवीजन में थाना में खड़ा कर दिया गया था, जिसका पटवारी द्वारा पंचनामा और सुपुर्दी के कागज बनाने के लिए सूचना दी गई। सूचना उपरांत पटवारी गया, उसके उपरांत पहले ही ट्रैक्टर ड्राइवर अपने गाड़ी लेकर ट्रैक्टर लेकर वहाँ से फरार हो गया, और फरार होने के बाद में उनके खिलाफ थाने में ट्रैक्टर मालिक और ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज किए गए। जो भी नियम अनुसार कार्रवाई हुई वो थाने में कर दी गई। सर, आवेदन कितने बजे दिया गया है FIR का? FIR का फरार हुआ उसके बाद में आधे घंटे बाद उसके सूचना थाने में दी गई कि गाड़ी और बाहर निकल गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। नाम अफार साहब, एक ट्रैक्टर ट्राली लेके थाना परिसर बाउंड्री में आए थे, लेकिन वो परिसर में बाउंड्री में खड़ी करके बिना किसी को बताए उन्होंने घटना बनाया था और पटवारी चले गए। उन्होंने अपने पटवारी को आदेश किया था कि जब तक पटवारी आता तब तक वो उन्होंने ट्रैक्टर ट्राली की चाबी थाने पर दी। इस दौरान वो जो उसको लाए थे उसको ट्राली लेके चला गया, जिसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नायब तहसीलदार श्री मफारे साहब ने आवेदन दिए। फिलहाल पुलिस द्वारा रेत माफिया की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीजियाना न्यूज।